Yes, students, now see the worksheet 1. Question number 1, this question should be done in the book. Ye wala question jo hai wo book mein hi hoga. Complete the following table. तो यहाँ पे टेबल दिया गया है. सबसे पहले हम टेबल को देखेंगे. क्या लिखा है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस डेट इज सीपी, खरीदना. सेलिंग प्राइस यानी कि कितने में बेची गई आर्टिकल. प्रॉफिट यानी कि आपको कितने का फायदा हुआ. लॉस का मतलब होता है घाटा. अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो उस केस में हमें क्या होगा? लॉस होगा. तो यहाँ लॉस की वैल्यू लिखी जाएगी, प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे. ठीक है. और अगर कॉस्ट प्राइस कम है लेकिन ज्यादा में बेचा जा रहा है, खरीदा कम में लेकिन ज्यादा में हम बेच रहे हैं, मनी हमें ज्यादा मिल रही है, ठीक है, तो उस केस में प्रॉफिट होगा, तो यानी फायदा होगा. तो यहाँ पे आप प्रॉफिट की वैल्यू लिखेंगे और लॉस को इग्नोर करेंगे. ठीक है. तो बेटर समझने के लिए एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका ए पार्ट देख लीजिए. कॉस्ट प्राइस यहाँ गिवन है रुपीज 545 और सेलिंग प्राइस गिवन है 630. तो कॉस्ट प्राइस तो कम है और सेलिंग ज्यादा है. ठीक है. आप कम में तो खरीद रहे हो लेकिन ज्यादा में सेल कर रहे हो. दैट इज क्या हो रहा है यहाँ पे? फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. कितने का प्रॉफिट हो रहा है? हम क्या करेंगे, 630 में से 545 को माइनस करेंगे. ठीक है. तो ये वर्क आपने रफ में करके देखना है, अलग से सेपरेटली आप माइनस करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा 85 रुपीज आएगा प्रॉफिट. ठीक है. और लॉस में इस तरह से हम ये हाइफन लगा देंगे, यानी कि लॉस में कुछ नहीं हो रहा, हमें प्रॉफिट हो रहा है रुपीज 85 का. इज इट क्लियर? नाउ सी द बी पार्ट. रुपीज 45 ये तो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या है? 58. कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो यहां पर भी प्रॉफिट हो रहा है, अगेन प्रॉफिट. तो कितना प्रॉफिट? अगर हम 58 में से 45 माइनस करेंगे, वी विल गेट रुपीज 13. आपको सिंपली माइनस ही तो करना है, बड़े में से छोटा माइनस कीजिए एंड यू विल गेट 13 रुपीज. ओके. नाउ सी द सी पार्ट. रुपीज 146 यानी कि 146 में खरीदा गया और बेचा कितने में गया? रुपीज 135 में. ओके. तो इसका मतलब यहां पे तो हमें लॉस हो रहा है, ज्यादा में तो खरीद रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं? उससे भी कम, जितने में खरीदा था उससे कम में हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं कम में. तो माइनस किया हमने 146 में से 135 को, वी विल गेट रुपीज 11. ओके. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. डी पार्ट देखिए. रुपीज 1300 है ये कॉस्ट प्राइस है और कितने में बेचा जा रहा है? रुपीज 1420 में, जिसको हम कह सकते हैं 1420, इतने में बेचा जा रहा है. कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, डेट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है. अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम कैसे पता करेंगे? ये जो ज्यादा वाली अमाउंट है इसमें से हम कम वाली को माइनस करेंगे एंड वी विल गेट रुपीज 120 का हमें फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. और यहाँ लॉस वाले में हम हाइफन लगा देंगे. ओके. इसी तरह से बेटे इसका ई पार्ट होगा. तो ई पार्ट आपने खुद से ट्राई करना है, एक बार इसको ट्राई कीजिए. आपका आंसर आना चाहिए लॉस में रुपीज 1.50 यानी कि रुपीज 150 पैसा. तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए. आज के लिए इतना ही, कल हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे.